सबसे पहली सेवा सुबह सुबह मंगला स्मंगला से भी पहले रात्रि के अंतिम प्रहर में सबसे पहली सेवा जो हो रही है निकुंज मंदिर में वो क्या हो रही है, ललिताजू ललित बजाई बीना, पहली सेवा। और जब श्री प्रिया जी पढ़ गई हैं तब भी क्या हो रहा है वहां, करे राग सुनत मृदु बानी, राजत निकुंज महल ठकुरानी, राजत निकुंज महल ठकुरानी, कुसुम से जुपे पढ़ी श्यामा, कुसुम से जुपे पढ़ी श्यामा, राग सुनत मृदु बानी, राजत निकुंज महल ठकुरा। इसी से संगीत से ही आरंभ हो रहा है सेवा का, राग सुनत मृदु बानी, और राग सुनते सुनते ही श्री प्रिया जी पौड़ी हैं, और मध्य भी जहां जहां कुंजों में निकुंजों में विहार हो रहा है, आप 42 लीला का दर्शन करो, कहां किसी भी कुंज में कहीं कोई भी क्रीड़ा कोई भी लीला हो रही है, पर सखियों के हाथ में अपने अपने वाद्य यंत्र हैं, कोई गा रही है कोई बजा रही है। श्री महाप्रभु बता रहे हैं कि सहचरियों का ये जो संगीत विद्या का उनका वैदुष्य कैसा है, कह रही एक थे एक संगीत की स्वामिनी, सबकी सब संगीत विद्या में निपुण है, तो इसलिए गाना आए तो भी गाओ, नहीं आए तो भी गाओ पर गाओ, और कुछ नहीं गाना आए तो फिर केवल श्री जी का नाम ही गाओ पर गाओ। ये उपासना का मूल अंग है, धीरे धीरे भाव पुष्ट होगा, इसलिए मैंने कहा था कीर्तन से आरंभ करो, और गा सको तो फिर कहना ही क्या है, गा सको तो फिर गाओ, क्योंकि यहां तो यही उपासना है। अरे स्वामी जी ने गा गा कर ही श्री कुंज बिहारी को प्रकट होने के लिए बाध्य कर दिया, स्वामी जी तो गाते ही रहे तब कुंज बिहारी प्रकटे। और फिर और भी आप प्रेमी अनुरागी भक्तों का जीवन अगर देखें, सब गा रहे हैं। मीरा जी ने प्रणाम किया श्री रैदास जी के श्री चरणों में, अमीरा तो कुछ जानती नहीं थी, बस दो दिन पहले कथा में सुन लिया था, बिन गुरु भाव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम हो। श्री रामचरित मानस जी का प्रागट्य अभी हुआ ही था उस काल में, दसों दिशाओं में मानस की ही चौपाइयों का गान हो रहा था, महल में भी कथा हो रही थी, मीरा जी ने सुन लिया, गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, नन्नी सी मीरा जी, हृदय पर वो भाव वो बात अंकित हो गई, दौड़ कर गई लिपट गई गिरधर गोपाल के चरणों से, रोने लगी कि अब मुझे समझ में आया कि मैं इतनी बात करती हूँ तुमसे तो मुझे उत्तर क्यों नहीं देते, क्योंकि गुरु नहीं है मेरे पास, आज ही सुना है मैंने कि बिना गुरु के तुम किसी को स्वीकार नहीं करते, तुम अपनाते नहीं, बिना गुरु के तुम अपनाते नहीं किसी को, और कभी आपको मैंने संकेत किया था जब तक प्रभु अपना नहीं लें तब तक ये आवागमन का भय निवृत्त नहीं होता, तब तक ये चक्र नहीं टूटता जब तक प्रभु स्वीकार ना कर ले किसी जीव को, अपना ना ले। तो ठाकुर जी ने संकेत कर दिया, कृपा हुई, रैदास जी आए। अब ऐसा कहीं कोई वर्णन मिलता नहीं, क्या मंत्र मिला कैसा मंत्र मिला, हाँ इतना अवश्य है, रैदास जी ने इतना अवश्य कहा, बेटी हरिगुण गाना, और जो इकतारा था उनके हाथ में, संतों के पास में रहता ही था, क्योंकि संत दिन रात इसी से आराधन करते थे, ये भगवत आराधन इसी प्रकार होता था, इकतारा संतों के पास ही रहता था, सूर हो रैदास हो मीरा हो, सूरदास जी का दर्शन करिए आप, तो वो एक जो इकतारा था वो मीरा जी के हाथ में रख दिया, और केवल इतना ही कहा, बोले बेटी हरिगुण गाना। हरिगुण में दो बात है, हरि का नाम भी है और हरि का गुण भी है, हरि का गुण गाना, और मीरा जी के जीवन में वो उत्सव हुआ, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु और कृपा कर अपनायो, अपनाया। तो देखना हम तो जिस मार्ग पर चल रहे हैं
मैं फिर कह रहा हूं भाई, यहां तो ये उपासना का प्राण तत्व है। अच्छा हाथ ऊंचा करके बताओ कितने लोग गाते हो? अरे भाई तो सभी गाते हैं, ये तो बड़े सुख की बड़े आनंद की बात है, आप सभी गाते हैं। वैसे तो मैं सुनता ही हूं आपको, मेरे साथ तो आप रोज गाते ही है। अच्छा है आप सभी लोग गाते हैं, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सुंदर गाओ और मधुर गाओ और प्रिया प्रीतम को रिझाओ। स्वर जो है ना वो आत्मा की अभिव्यक्ति है। स्वर से सूक्ष्म और कुछ नहीं है, स्वर से सूक्ष्म और कुछ नहीं है। स्वर सीधे आत्मा से प्रकट हो सकता है यदि आप चाहें तो।